जी दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि राउंड अबाउट में एंट्री करते वक्त जो है ये इंडिकेटर कैसे देना है। अभी आप ये बात याद रखिए कि राउंड अबाउट लेफ्ट और फुल लेफ्ट जाते वक्त इंडिकेटर देना है पहले एंट्री से, और राउंड अबाउट राइट जाने से पहले आपने इंडिकेटर देना है। सीधा जाते वक्त राउंड अबाउट में एंटर होते वक्त आपने इंडिकेटर नहीं देना। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। अभी हम राउंड अबाउट लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ से मैंने सिग्नल देना शुरू किया है, तो आप देखिए कि मैं इस सिग्नल को चेंज कब करूँगा। ये राउंड अबाउट में लेफ्ट में एंट्री कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा सिग्नल मौजूद है राउंड अबाउट लेफ्ट जाने के लिए। अभी ये स्ट्रेट है, जैसे ही स्ट्रेट क्रॉस करेंगे यहाँ पे राइट सिग्नल लगाना है ताकि जो गाड़ी राउंड अबाउट में इंटर होने वाला है यहाँ से उसको मालूम पड़ जाए कि हम एग्जिट करने वाले हैं। तो ये सिग्नल चलता रहेगा, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा जब हम सिग्नल बंद करेंगे। ये जैसे स्टीयरिंग सीधा हुआ हमारा सिग्नल बंद हो गया। तो ये तरतीब होती है सिग्नल इंटर करने की, यानी देने की और बाद में ख़त्म करने की। ये राउंड अबाउट लेफ्ट था, और इसी तरह सेम राउंड अबाउट फुल लेफ्ट जाते वक्त भी जब आप लास्ट एग्जिट में जाएंगे तो अपने राइट तरफ गाड़ी आने वाली गाड़ी से पहले आपने राइट सिग्नल दे देना है कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी अभी हम राउंड अबाउट स्ट्रेट जाएंगे, चाहे हम फर्स्ट ट्रैक से जाएँ सीधा या सेकेंड ट्रैक से सीधा जाएँ, तो राउंड अबाउट इंटर करते वक्त हमें कोई सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अभी हम सेकंड ट्रैक से जा रहे हैं, फर्स्ट ट्रैक से भी हम सीधा जा सकते हैं। अभी हम कोई इंडिकेटर नहीं दे रहे, राउंड रोड में स्ट्रेट जाना है। देखिए ज़रा चेकिंग का और राउंड बोर्ड इंट्री का तो मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे इंटर होने के बाद ये राइट एग्जिट राइट है, यहाँ पे मैंने इशारा देना है, ये यहाँ पर इस जो ब्लू जो सर्कल वाला हमारा वो होता है उसके साथ हमने इशारा दिया। ये देखिए यहाँ पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा जब ये स्टीयरिंग जो है जब सीधा होता है तो खुद बहुत इशारा ख़त्म हो जाता है। अगर इशारा आपकी गाड़ी में ख़त्म नहीं हो रहा तो आप अपनी उंगली से ही सीधा कर लेंगे, यानी ख़त्म कर देंगे उसको इंडिकेटर। जी इसी तरह राउंड अबाउट राइट जाते वक्त अभी हम राउंड अबाउट से राइट जाएंगे तो यहीं पे हम इंडिकेटर देना शुरू कर देंगे। अभी हमने इंडिकेटर देना शुरू कर दिया है राइट की तरफ जाते वक्त, और ये अभी हमें इंडिकेटर खुद ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा जैसे स्टीयरिंग सीधा होता है। ये सीधा होने के बाद ये फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये तरतीब है राउंड अबाउट में इंडिकेटर देने की। ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन करना है आपको तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी फिर वीडियो बना दूंगा। ये भी एक कमेंट आया था तो उसके अगेंस्ट मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।